सही, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये नोटिस वापस ले लो, क्योंकि कोर्ट तक जाना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। नहीं, तुम दोनों से अपना वीनू वापस लेने का बस यही एक तरीका है मेरे पास। और तुम्हें लगता है ये तरीका सही है? वीनू को अपने घर से, अपने अपने परिवार से दूर कर देना चाहिए। वीनू अपने घर में जिस माँ के साथ रह रहा है ना अभी, सही, वो कभी भी अपनी जान ले सकती है। बाकी की दिमागी हालत अभी ठीक नहीं है। प्लीज मेरी बात समझो जब मैं ये कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं तुमसे। नहीं, मैं सिर्फ अपने और अपने बेटे के बारे में सोचूंगी अभी, और किसी के बारे में नहीं। और तुम्हें क्या लगता है वीनू का एक ऐसी औरत के साथ रहना सही है जो खुद की जान ले सकती है कभी भी? उस रिसोर्ट में तुम किसी बड़े क्रिमिनल को तो पकड़ने आए नहीं थे जो अपनी गन साथ लेकर आए होगे? तुम्हारी गन पत्र लेखा लेकर आई थी ना अपने साथ? बोलो विराट। और तुम्हें लगता है कि वीनू का ऐसी औरत के साथ रहना सही है जो खुद की जान ले सकती है, कभी भी खुदकुशी कर सकती है, जो साथ में गन लेकर घूमती है? जो इंसान अपनी जान ले सकता है वो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। पत्रलेखा वीनू को नुकसान पहुंचा सकती है। आखिर मर जाएगी लेकिन वीनू को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। जरा वीनू के बारे में एक बार सोच लो, उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा जब उसे ये पता चलेगा कि उसकी दोनों माएं उसे पाने के लिए अदालत में झगड़ा कर रही हैं? कभी ये दिमाग में ख्याल नहीं आया तुम्हारे? वीनू की वजह से मुझे अदालत जाना पड़ रहा है, लेकिन मेरी वजह से वीनू कभी अदालत नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। मालिक तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे।